हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आप लोग को पढ़ाएंगे एलगी के बारे में। एलगी में आपको हम 3 टॉपिक बता चुके हैं, 4th टॉपिक आपको बताएंगे अकरेंस के बारे में। एलगी कहाँ कहाँ पाया जाता है, ठीक है? क्या है अकरेंस? ये दिए हैं, ठीक है? जो एलगी होता है, एलगी जो होता है यूनिवर्सल होते हैं। क्या होते हैं? यूनिवर्सल। एलगी आर, एलगी यूनिवर्सल, यूनिवर्सल होते हैं, ठीक है? मतलब प्रत्येक जगह एलगी पाए जाते हैं। जैसे आप बात कर सकते हैं एक्वाटिक, क्या होते हैं एक्वाटिक एलगी, फर्स्ट। दूसरा टेरेस्ट्रियल एलगी, टेरेस्ट्रियल एलगी। और फोर्थ आप बात कर सकते हैं एलगी ऑफ अनयूजुअल प्लेसेस। क्या कर सकते हैं? फिर थर्ड में एलगी ऑफ अनयूजुअल प्लेस, ठीक? मतलब तीन स्थान पे एलगी पाए जाते हैं। कहाँ कहाँ पे? सबसे पहले एलगी एक्वाटिक होते हैं, दूसरा टेरेस्ट्रियल एलगी होते हैं, और थर्ड क्या होते हैं एलगी क्या होते हैं अनयूजुअल स्थान पे भी एलगी क्या होते हैं ग्रो कर जाते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? एक्वाटिक एलगी के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में? एक्वाटिक एलगी के बारे में बात करते हैं। एक्वाटिक एलगी किसे कहते हैं, ठीक है? देखो, जो एक्वाटिक एलगी होते हैं, क्या होते हैं? एक्वाटिक एलगी। एक्वाटिक का मतलब क्या होता है? वे एलगी जो कहाँ पाए जाते हैं? पानी में पाए जाते हैं, वाटर में पाए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? एक्वाटिक एलगी कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्वाटिक एलगी बोला जाता है, ठीक है? अब देखते हैं, जो एक्वाटिक एलगी होता है, देखो वाटर टू टाइप का होता है। कितने टाइप का? टू टाइप का। कितने टाइप का? टू टाइप का। पहला क्या हो जाएगा? फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर। और जो दूसरा होता है वो क्या होता है? मैराइन वाटर। क्या होता है? मैराइन वाटर होता है, मैराइन वाटर होता है। अब हम बात करते हैं फ्रेश वाटर की। देखो, फ्रेश वाटर किसे कहते हैं? जिसमें क्या होता है? साल्ट की मात्रा, लो कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट। कितना होता है? लो कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट। जिसमें क्या होता है? साल्ट की मात्रा क्या होता है? बहुत कम होता है, ठीक? उसे क्या बोलते हैं? फ्रेश वाटर बोला जाता है। क्या होता है फ्रेश वाटर? मतलब लो कंसंट्रेशन साल्ट, मतलब कितना होना चाहिए? 0.3% साल्ट होना चाहिए। लो कंसंट्रेशन का मतलब यही होता है। देखो, अब फ्रेश वाटर हो गया लो कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट, आर साल्ट डैश फ्रेश वाटर बोला जाता है। अब देखिए, यहाँ पे फ्रेश वाटर तो हो गया। अब फ्रेश वाटर टू टाइप का होता है। कितने टाइप का? टू टाइप का। यहाँ भी आपको देखना पड़ेगा टू टाइप का कौन कौन सा होता है। नीचे देख लीजिए, आपको यहाँ दिखाते रहे कौन कौन सा होता है। एक होता है रनिंग वाटर और एक होता है स्टैगनेंट वाटर। कौन कौन सा? रनिंग वाटर, रनिंग वाटर, और दूसरा क्या होता है? स्टैगनेंट वाटर, ठीक? क्या होता है? स्टैगनेंट वाटर होता है, ठीक है? अब देखो, रनिंग वाटर किसे कहते हैं? रनिंग वाटर का क्या होता है? नदी का पानी, नाले का पानी होता है, हमेशा बहता रहता है, ठीक है? तो उसे क्या बोला जाता है? रनिंग वाटर बोला जाता है। एग्जांपल के रूप में कारा हो जाएगा, ओल्डोगोनियम हो जाएगा, यूरोथ्रिक्स हो जाएगा, क्लैडोफोरा हो जाएगा। ये सब क्या होते हैं? जो एल्गी होते हैं रनिंग वाटर में पाए जाते हैं। तो देखते हैं स्टैग्नेंट वाटर किसे कहते हैं, ठीक? फर्स्ट क्या था? रनिंग वाटर। दूसरा क्या था? स्टैग्नेंट वाटर। तो स्टैग्नेंट वाटर किसे कहते हैं? स्टैग्नेंट का मतलब क्या होता है? वह पानी जो एक स्थान पर रुका होता है, क्या होता है? स्टे, रुका होता है, उसे ही क्या बोला जाता है? स्टैग्नेंट वाटर बोलते हैं। एग्जांपल के रूप में आप ले सकते हैं हाइड्रोडियम, वॉलवॉक्स, क्लेमाइडोमोनास ले सकते हैं। लिख दे रहे हैं एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास वॉलवॉक्स हो जाएगा, एंड क्या हो जाएगा? हाइड्रोडिक्टियम। क्या
क्या हो जाएगा, हाइड्रोटिक लैंप हो जाएगा। ये सब एलपी जो होते हैं कहाँ पाए जाते हैं, स्टैग्नेंट वाटर में पाए जाते हैं। ठीक है, ये इतना क्या था आपको फ्रेश वाटर के बारे में था। फ्रेश वाटर किसे कहते हैं, फिर से एक बार देख लीजिए आप। फ्रेश वाटर किसे कहते हैं, वह पानी जो क्या होता है लो कंसंट्रेशन ऑफ साइड मतलब 0.3% में पाया जाता है उसे ही क्या बोलते हैं, फ्रेश वाटर बोला जाता है। टू टाइप के होते हैं, रनिंग वाटर और दूसरा क्या होता है, स्टैग्नेंट वाटर हो जाता है। ठीक, क्या होता है रनिंग वाटर में क्या होता है, एग्जांपल आप देख लीजिए। ठीक, यहाँ क्या हो जाएगा, स्टैग्नेंट वाटर होगा, स्टैग्नेंट वाटर का एग्जाम्पल आप देख लीजिए। ठीक है, अब बात करते हैं मैराइन वाटर किसे कहते हैं और वाटर में कौन कौन सी एल्गी पाई जाती है। ठीक है, मैराइन वाटर का मतलब क्या होता है, वह पानी जिसमें साल्ट की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, हाई कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट आर प्रेजेंट आर कॉल्ड एज मैराइन वाटर बोला जाता है। ठीक, देखो मैराइन वाटर में क्या होता है, दो क्लासेस पाई जाती हैं, आप लोग को पता होगा दो क्लास। ठीक है, देखो फ्रिश ने क्लास को 11 क्लास में डिवाइड किया है, कितने 11 क्लास में डिवाइड किया है, उसमें से दो दो क्लास होते हैं, टू क्लास होते हैं, वो कहाँ पाए जाते हैं, मैराइन वाटर में पाए जाते हैं। कौन कौन से होते हैं, फियोफाइसी रोडोफाइसी। कौन कौन से दो क्लास हैं, फियोफाइसी रोडोफाइसी। ठीक, तो देखते हैं फियोफाइसी और रोडोफाइसी के बारे में। ठीक, देखो फियोफाइसी का मतलब क्या होता है, फियोफाइसी किसे कहते हैं, अगर किसी ने आपसे पूछ लिया व्हाट इज फियोफाइसी, फियोफाइसी क्या है। ठीक, कौन कौन सा पाया जाता है, फियोफाइसी, दूसरा क्या होता है, रोडोफाइसी। ठीक, ये क्लास है। ठीक, क्लास का मतलब क्या होता है, लास्ट में जब ए ई शब्द आता है, देखो ए ई आया कि नहीं, जब लास्ट में ए ई शब्द आता है तो उसे क्या बोला जाता है, क्लास बोला जाता है। क्या बोलते हैं, क्लास बोलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करते हैं, देखो फियोफाइसी किसे कहते हैं, फियोफाइसी का मतलब क्या होता है, इसे भी फियोफाइसी को ही क्या बोला जाता है, ब्राउन एल्गी बोलते हैं। कौन सी एल्गी बोलते हैं, ब्राउन एल्गी बोला जाता है, या क्या बोलते हैं, केल्प एल्गी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, केल्प बोला जाता है, क्या बोलते हैं, ओ आर आर, क्या बोलते हैं, केल्प बोला जाता है। ठीक, रोडोफाइसी को क्या बोला जाता है, रेड एल्गी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेड एल्गी बोला जाता है, क्या कहते हैं, रेड एल्गी। ठीक, क्या बोलते हैं, रेड एल्गी। अब फियोफाइसी का एग्जाम्पल आप देख लो, देखिए फियोफाइसी का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इक्टोकार्पस हो जाएगा, ठीक, सार्गासम हो जाएगा, फ्यूकस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इक्टोकार्पस, क्या, इक्टोकार्पस। ठीक, दूसरा क्या हो जाएगा, सार्गासम हो जाएगा, सार्गासम हो जाएगा। ठीक, और इसके बाद क्या हो जाएगा, फ्यूकस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फ्यूकस हो जाएगा। ठीक, ये तीन एल्गी आपको पढ़ना है, आपके सिलेबस में तीन एल्गी है। कौन कौन सी तीन एल्गी है, इक्टोकार्पस, सार्गासम, फ्यूकस, ये तीन एल्गी आपके सिलेबस में है। ठीक, फियोफाइसी के हैं, फियोफाइसी क्या बोला जाता है, ब्राउन एल्गी, ओ आर आर, केल्प बोला जाता है। ठीक, नेक्स्ट रोडोफाइसी, रोडोफाइसी में रेड एल्गी बोला जाता है। सिर्फ आपको एक एग्जाम्पल पढ़ना है इसमें, क्या, पॉलीसाइफोनिया, क्या पढ़ना है, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, पॉलीसाइफोनिया, क्या हो जाएगा, पॉलीसाइफोनिया आपको पढ़ना रहता है। ठीक है, इतना था आपको किसके बारे में पढ़ना था, एक्वाटिक एल्गी के बारे में, ये पूरा का पूरा मैटर था। ठीक है, टेरेस्ट्रियल एल्गी। ठीक, टेरेस्ट्रियल का मतलब क्या होता है, वह एल्गी जो जमीन पे पाए जाते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, टेरेस्ट्रियल एल्गी बोला जाता है। जैसे कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, रॉक पे पाए जाते हैं, ठीक, लॉक्स पे पाए जाते हैं, क्या होता है, लॉक्स पे पाए जाते हैं, या सॉयल में पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, सॉयल में पाए जाते हैं, उन्हें ही क्या बोला जाता है, टेरेस्ट्रियल एल्गी बोलते हैं। ठीक, लेकिन देखो कुछ एल्गी ऐसे होते हैं जो कहाँ पाए जाते हैं, सॉयल के सरफेस पे पाए जाते हैं, सॉयल के ऊपर पाए जाते हैं, ऑन द सॉयल सरफेस। जैसे क्या होता है, जो एल्गी सॉयल के सरफेस मतलब ऑन द सॉयल सरफेस पे पाए जाते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, साइपोफाइट्स बोला जाता है। क्या बोलते हैं, साइपो
फाइट्स बोलते हैं, ठीक, क्या बोलते हैं, सैफो फाइट्स, ठीक, मतलब विच एल्गी आर फाउंड ऑन द सॉयल सरफेस आर कॉल्ड एज सैफो फाइट्स बोला जाता है। एग्जाम्पल के रूप में आप ले सकते हैं जैसे फ्रिस्चिएला, क्या लेते हैं, फ्रिस्चिएला, ठीक, फ्रिस्चिएला ले लीजिए, बोट्राइडियम, क्या हो जाएगा, बोट्राइडियम, बोट्राइडियम हो जाएगा, ठीक है, बोट्राइडियम हो जाएगा, ठीक। उसके बाद बहुत सारी एल्गी पाई जाती हैं, ठीक है, युगलीना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, युगलीना, ठीक, युगलीना पाए जाते हैं, ठीक, इतना हो गया। लेकिन देखो लॉक्स का मतलब क्या होता है, लॉक्स, ठीक, लॉक्स का मतलब होता है वह एल्गी जो लकड़ी के ऊपर पाए जाते हैं, लकड़ी के ट्रंक पे पाए जाते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है, लॉक्स बोलते हैं, ठीक। नेक्स्ट रॉक मतलब लिथोफाइट्स, वह एल्गी जो चट्टान पे पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है, चट्टान पे, ऑन द रॉक सरफेस, उन्हें क्या बोला जाता है, लिथोफाइट्स बोला जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल के रूप में आपको बता दे रहे हैं, एग्जाम्पल के रूप में देख लीजिए क्या होता है, एग्जाम्पल के रूप में, ठीक है, ठीक होता है, रॉक्स पे पाए जाते हैं, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं उसके बाद क्या हो जाएगा, देखो कुछ एल्गी ऐसी होती हैं जो जमीन के अंदर पाई जाती हैं, कहाँ पाई जाती है, जमीन के अंदर। ये देखो हमने क्या कहा, साइपोफाइट्स का मतलब क्या होता है, वह एल्गी जो जमीन के ऊपर पाई जाती है, ऑन द सॉयल सरफेस, इसको क्या लिख सकते हैं, ऑन द सॉयल सरफेस, क्या हो जाएगा, ऑन द सॉयल सरफेस को ही क्या बोला जाता है, साइपोफाइट्स बोलते हैं। बट जो एल्गी जमीन के अंदर पाई जाती है उन्हें क्या बोलते हैं, क्रिप्टोफाइट्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्रिप्टोफाइट्स बोलते हैं, बोलते हैं क्रिप्टोफाइट्स बोला जाता है, ठीक है। क्रिप्टोफाइट्स का मतलब क्या होता है, वह एल्गी जैसे इन द सॉयल सरफेस, यहाँ देखो आर का मतलब क्या होता है, ऊपर, और इन का मतलब क्या हो जाएगा, अंदर हो जाएगा, इन द सॉयल सरफेस, क्या हो जाएगा, इन द सॉयल सरफेस, उसी को ही क्या बोला जाता है, क्रिप्टोफाइट्स बोलते हैं। एग्जाम्पल आप लोग जानते ही होंगे, ब्लू ग्रीन एल्गी, मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी, नाश्ता और एना बेना जो एल्गी होती हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, जमीन के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। कौन कौन सी एल्गी हो जाएगी, नाश्ता एग्जाम्पल के रूप में हो जाएगा, नाश्ता एना बेना, एना बेना, ठीक, यह एल्गी जो होती हैं जमीन के अंदर पाए जाते हैं, ठीक। अब बात करते हैं, देखो कुछ एल्गी ऐसी होती हैं जो क्या होती हैं, हवा में तैरती रहती हैं, ठीक है, हवा से, जैसे दीवार पे चिपक जाती हैं, ठीक, जैसे क्या हुआ, ये सरफेस है, वाल है, ठीक है, इस वाल पे चिपक जाएंगे और क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर से वाटर का एब्जॉर्प्शन करते हैं, क्या करते हैं, वाटर का एब्जॉर्प्शन करते हैं, जैसे साइटोनिमा, साइटोनिमा एक एल्गी हो गई, वो क्या होती हैं, वो एक वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं, कहाँ से, एयर से एब्जॉर्ब करती हैं, ठीक है। इतना आपको पढ़ना था किसके बारे में, टेरेस्ट्रियल एल्गी के बारे में, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट टॉपिक आपको पढ़ाएंगे, एल्गी ऑफ अनयूजुअल प्लेसेस, ठीक, मतलब एल्गी अनयूजुअल प्लेस पे भी ग्रो कर सकती है, ठीक है, वो आपको बताने चल रहे हैं कहाँ कहाँ ग्रो करती है एल्गी, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं हेलोफाइट्स एल्गी, क्या होता है, हेलोफाइट्स एल्गी, हेलोफाइट्स, ठीक, हेलोफाइट्स एल्गी का मतलब क्या होता है, वह एल्गी, ठीक, वह एल्गी जो क्या होता है, हाई कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट, मतलब सी, समुद्र में ग्रो करती है, उसे ही क्या बोला जाता है, हेलोफाइट्स एल्गी बोलते हैं। वह एल्गी जो कहाँ ग्रो करती है, हाई कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट, मतलब सी में ग्रो करेगी, तो उसे ही क्या बोला जाता है, हेलोफाइट्स एल्गी बोलते हैं। एग्जाम्पल क्लेमाइडोमोनास इरेनबर्गी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल क्लेमाइडोमोनास, माइडोमोनास इरेनबर्गी हो जाएगा,
इरन वर्गीय हो जाएगा। ठीक, क्लेमाइडोमोनास इरन वर्गीय हो जाएगा, मतलब क्लेमाइडोमोनास जो है जीनस है और इरन वर्गीय जो होता है स्पीसीज होते हैं। ठीक, ये आपको हमेशा ये बात ध्यान में रखना है क्या कि क्लेमाइडोमोनास जो जीनस है ये क्या है, जीनस। ठीक, और ये शब्द क्या होता है, स्पीसीज। क्या है, स्पीसीज। जीनस का हमेशा पहला वर्ड जो लिखा जाता है कैपिटल से लिखा जाएगा, किस लेटर से लिखा जाएगा, कैपिटल लेटर से लिखा जाएगा। ठीक, पहला वर्ड जैसे सी लिखे हैं, सी हमेशा क्या रहेगा, बड़े लेटर में लिखा जाएगा। उसके बाद क्या लिखे हैं, इरन वर्गीय। देखो इरन वर्गीय में जब शुरुआत किससे लेटर से किए हैं, ई से, ई का मतलब हो जाएगा एलिफेंट। ठीक, तो यहाँ क्या आता है, इरन वर्गीय हो जाएगा। तो ई जो शब्द होता है वो कैसे होगा, स्मॉल लेटर में रहेगा, किस लेटर में रहेगा, स्मॉल लेटर में रहेगा, स्मॉल लेटर में रहेगा। ठीक, कोई दिक्कत, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, अगला क्या, हेलोफाइट्स हो गया। उसके बाद देखते हैं एपीफिटिक एल्गी। एपीफिटिक एल्गी क्या होता है, एपीफिटिक एल्गी, एपीफिटिक एल्गी, एपीफिटिक एल्गी। एपीफिटिक का मतलब क्या होता है, वह एल्गी जो दूसरे प्लांट के ऊपर ग्रो करती है उसे क्या बोला जाता है, एपीफिटिक एल्गी बोलते हैं। ठीक, वह एल्गी जो दूसरे प्लांट के ऊपर ग्रो करती है उसे क्या कहते हैं, एपीफिटिक एल्गी बोला जाता है। जैसे क्या होता है, वाउचेरिया, ओडोगोनियम, क्या हो जाएगा, ये मिटा दे रहे हैं थोड़ा सा, ठीक है, क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, ओडोगोनियम, क्या हो जाएगा, ओडोगोनियम। ठीक, वाउचेरिया क्या हो जाएगा, वाउचेरिया। ठीक, जब ये सब बात आएगा तो कौन सी एल्गी आ जाएंगे, एपीफिटिक एल्गी। एपी का मतलब क्या होता है, आप लोग को पता है, एपी का मतलब क्या होता है, ऑन, ऑन का मतलब क्या होता है, ऊपर। वह एल्गी जो दूसरे प्लांट के ऊपर ग्रो करती है, कहाँ, दूसरे प्लांट के ऊपर ग्रो करती है, तो उसे क्या कहते हैं, एपीफिटिक एल्गी बोलते हैं। ठीक, एग्जाम्पल ओडोगोनिया, वाव चेरिया हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। ठीक, एपीफिटिक एल्गी हो गया। उसके बाद एपीजोइक एल्गी देखते हैं, क्या होता है, एपीजोइक एल्गी। ठीक, एपीजोइक एल्गी, देखो एपी का मतलब क्या होता है, ऑन, ऑन का मतलब ऊपर, आपको बता दिए हैं, एपी का मतलब क्या होता है, ऑन, ऑन का मतलब ऊपर। और जोइक का मतलब क्या हो जाएगा, जू, जू का मतलब क्या होता है, एनिमल्स। वह एल्गी जो दूसरे एनिमल्स के ऊपर ग्रो करती है, किसके, दूसरे एनिमल्स के ऊपर ग्रो करती है, उसे ही क्या बोला जाता है, एपीजोइक एल्गी बोलते हैं। जैसे क्लाइडोफोरा, क्या है, क्लाइडोफोरा, क्लाइडो फोरा, ये एल्गी है। ठीक है, ये कहाँ ग्रो करती है, कछुआ, कछुआ देखते हैं ना, कछुआ देखते ही नहीं, कछुआ के पीठ पे ग्रो करती है, कहाँ ग्रो करती है, कछुआ के पीठ पे ग्रो करती है। ठीक है, इंग्लिश में क्या क्या बोला जाता है कछुआ को, ठीक है, सॉरी स्नैल के ऊपर ग्रो करती है, कहाँ, स्नैल के ऊपर ग्रो करती है। क्लाइडोफोरा जो एल्गी होती है वह कहाँ ग्रो करती है, स्नैल के ऊपर ग्रो करती है। ठीक है, स्नैल्स, ठीक है, घोंघा के ऊपर ग्रो करती है। ठीक, नेक्स्ट इसी में देखिए, एक एल्गी होता है स्टीजियो कॉलोनियम, कौन सा, स्टीजियो कॉलोनियम, वो कहाँ ग्रो करती है, फिश देखें, फिश, मछली, मछली के गिल्स में पाई जाती है, कहाँ, मछली के गिल्स में, कौन सी एल्गी है, स्टीजियो कॉलोनियम, स्टीजियो कॉलोनियम कहाँ पाई जाती है, फिश के गिल्स में, गिल्स में, गिल्स ऑफ फिश, ठीक, फिश के गिल्स में पाए जाते हैं। ठीक है, इतना समझ आ रहा है, नेक्स्ट आपको समझा दे रहे हैं और, ठीक है, देखो इंडोजोइक एल्गी, ठीक है, इंडोजोइक एल्गी, नेक्स्ट देख लेते हैं, इंडो, सॉरी, इंडोजोइक एल्गी। ठीक, अब देखो इंडोजोइक का मतलब क्या होता है, वह एल्गी, ठीक, वह
एलगी जो किसी, जू का मतलब क्या होता है एनिमल्स हो जाएगा ना ठीक, इंडो का मतलब क्या होता है इन, इन का मतलब इनसाइड, इन साइड का मतलब क्या होता है अंदर की तरफ, जैसे हम हैं हमारे अंदर कोई एलगी ग्रो करता है पेट में ग्रो करता है पाया जाता है ना ठीक है, जैसे नाश्ता एनाबेना ब्लू ग्रीन एलगी हैं ठीक, कुछ एलगी होती हैं जिससे वर्टिब्रेट्स के अंदर पाए जाते हैं ठीक है। देखिए यहाँ पे इंडोजोइक एलगी किसे कहते हैं, वह एलगी जो किसी एनिमल्स के अंदर ग्रो करती है उसे ही क्या बोला जाता है इंडोजोइक एलगी बोलते हैं। एग्जाम्पल के रूप में क्या होता है हाइड्रा, हाइड्रा विरिडिस, हाइड्रा विरिडिस जो हाइड्रा होता है ये कहाँ पाए, हाइड्रा के अंदर एक एलगी पाई जाती है जू क्लोरेला, इसीलिए जो हाइड्रा होता है ग्रीन कलर का दिखाई देता है, क्या होता है हाइड्रा विरिडिस, हाइड्रा विरिडिस, हाइड्रा विरिडिस के अंदर क्या होता है कौन सी एलगी पाई जाती है जू क्लोरेला, क्या होता है जू क्लोरेला पाया जाता है, और इसीलिए जो हाइड्रा होता है क्या होता है ग्रीन कलर का दिखाई देता है ठीक। इतना समझ आ रहा है एपिजोइक, पहला देख लेते हैं हैलोफाइट्स एलगी, एपिफाइट्स एलगी, इंडो एपिजोइक एलगी, इंडो जोइक एलगी हो गया ठीक, इतना हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं ठीक है थर्मोफिटिक एलगी, ठीक है कौन सी एलगी हो जाएगी थर्मोफिटिक एलगी हो जाएगी ठीक। देखो कुछ एलगी ऐसी होती है, थर्मो का मतलब क्या होता है टेम्परेचर, जहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है वहाँ भी एलगी क्या होती हैं ग्रो करती हैं ठीक है, हाई टेम्परेचर पे मतलब 70 से 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब एलगी ग्रो करती है तो उसे क्या बोला जाता है थर्मोफिटिक एलगी बोला जाता है, जैसे आसिलाइटोरिया हिमाइटोकाकस एक एलगी है ठीक है, ये सब एलगी कहाँ ग्रो करती हैं थर्मोफिटिक एलगी होते हैं ठीक है। देखते हैं लिख दे रहे हैं इधर ठीक है, किसी को कोई कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए जी ठीक है, आप लोग को कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं सर यहाँ पे दिक्कत हो रही है ठीक है, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इतना इजी लैंग्वेज दिया जा रहा है ठीक है। देखो थर्मोफिटिक एलगी किसे कहते हैं ठीक है, थर्मोफिटिक एलगी ठीक, थर्मोफिटिक का मतलब क्या होता है वह एलगी जो क्या होता है हाई टेम्परेचर पे ग्रो करते हैं, मतलब हाई टेम्परेचर कितना होना चाहिए मे बी 70 से 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब एलगी ग्रो करती है तो उसे क्या बोला जाता है थर्मोफिटिक एलगी बोलते हैं। एग्जांपल आसिलेटोरिया, कौन सी एलगी हो जाएगी आसिलेटोरिया हो जाएगी ठीक है, आप लोगों को पता है आसिलेटोरिया किसे कहते हैं, ठीक है कौन सी एलगी हो जाएगी आसी लैटोरिया ठीक, एग्जांपल देख लीजिए आसी लैटोरिया, सॉरी आसी लैटोरिया हो जाएगा ठीक। नेक्स्ट एलगी की बात करते हैं साइप्रोफिटिक एलगी एक होती है, सॉरी सिम्बियोटिक या साइप्रोफिटिक एलगी बोल सकते हैं, जैसे लाइकेन, लाइकेन आप लोग जानते हैं होंगे ठीक है, सिम्बियोटिक एलगी किसे कहते हैं ठीक। देखिए आप लिख दे रहे हैं सिम्बियोटिक एलगी, कौन सी एलगी सिम्बियोटिक एलगी, सिम्बायोटिक एलगी ठीक, सिम्बायोटिक एलगी, सिम्बायोटिक एलगी जैसे क्या होता है लाइकेन, सबसे अच्छा उदाहरण क्या होता है लाइकेन सिम्बायोटिक एलगी का सबसे अच्छा उदाहरण माना जाता है, क्यों क्योंकि जो लाइकेन होता है वो एलगी और फंजाई दोनों के कॉम्बिनेशन से बना होता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है सिम्बियोटिक एलगी बोला जाता है ठीक है। इसमें क्या होता है किसी को हानि नहीं होती है ठीक, दोनों को एक दूसरे से फायदा ही होता है और दोनों का काम एक दूसरे के बिना नहीं चल सकता है ठीक है, इसलिए क्या बोला जाता है सिम्बियोटिक एलगी बोलते हैं ठीक है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण क्या हो जाएगा लाइकेन, क्या होता है लाइकेन ठीक, जैसे और सिम्बियोटिक एलगी का उदाहरण क्या हो जाएगा जैसे नाश्ता एनाबेना, ये कहाँ पाए जाते हैं साइकस की रूट में पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं साइकस की रूट में पाए जाते हैं, कौन कौन सी एलगी नाश्ता एनाबेना, नाश्ता एनाबेना ये कहाँ पाए जाते हैं साइकस की
रूट में पाए जाते हैं, रूट इन साइकस। ठीक, ये होता है। ठीक है, किसी कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकता है, कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। क्रायोफिटिक एल्गी का मतलब क्या होता है? वह एल्गी जो वेरी लो टेम्परेचर पे ग्रो करती है, मतलब आइस पे ग्रो करती है या स्नो पे ग्रो करती है, उस एल्गी को ही क्या बोला जाता है? क्रायोफिटिक एल्गी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रायोफिटिक एल्गी बोलते हैं। ठीक, आप लोग देखे होंगे कुछ जो स्नो होते हैं, वर्फ होते हैं, वो रेड कलर के दिखाई देते हैं। देखते हैं नहीं, रेड कलर के दिखाई देते हैं कुछ स्नो कहीं जाने के बाद माउंटेन पे। कहाँ पे? जैसे अल्पाइन हो गया या आर्कटिक जोन हो गया माउंटेन। ठीक है, वहाँ पे आप जाते हैं तो क्या होता है, स्नो क्या होता है? रेड कलर का दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एक एल्गी ग्रो की रहती है। कौन सी एल्गी? हिमैटोकॉकस निवेलिस। एग्जाम में पूछा जाता है रेड एल्गी किसे बोला जाता है, रेड स्नो एल्गी किसे कहते हैं, तो क्या बोलते हैं? हिमैटोकॉकस निवेलिस को बोलते हैं। ठीक, और कुछ एल्गी क्या होते हैं, आइस पे ग्रो करती हैं, तो वो आइस क्या होते हैं? ग्रीन कलर के पूरे दिखाई देते हैं। कौन से कलर पे? ग्रीन कलर के, हरे कलर के दिखाई देते हैं। कहाँ पे ग्रीन कलर की एल्गी कहाँ दिखाई देती है? यूरोप में आप जाएंगे। ठीक, यूरोप के स्नो पे आप जाएंगे तो वहाँ पे जो एल्गी होती है, स्नो होता है, पूरा क्या होता है? ग्रीन कलर का आपको दिखाई देता है। ठीक, तो कौन सी एल्गी रहती है? क्लेमाइडोमोनास एलोस्टोनेंसिस। कौन सी? क्लेमाइडोमोनास एलोस्टोनेंसिस एल्गी पाई जाती है। ठीक, और कुछ जगह क्या होता है, जो बर्फ होती है ब्लैक कलर की दिखाई देती है। ब्लैक का मतलब काली बर्फ दिखाई देती है। ठीक है, किसके लिए, किस कारण से? कौन सी एल्गी ग्रो करती है? स्कोटिएला निवेलिस। कौन सी? स्कोटिएला निवेलिस। देखो, स्कोटिएला निवेलिस दो, देखो दो जगह स्पीसीज एक ही आपको दिख रही है, एक देखो रेड स्नो में और एक ब्लैक स्नो में। यहाँ भी निवेलिस है और यहाँ भी निवेलिस है, बट दोनों का जो जीनस है वो क्या होता है? चेंज दिख रहा है कि नहीं। ठीक, नेक्स्ट एंड ब्राउनिश पर्पल कलर। ठीक, कुछ बर्फ होते हैं, स्नो होता है, वो ब्राउनिश पर्पल कलर के हो जाते हैं। ठीक है, किसके कारण? कौन सी एल्गी होती है? एनक्लाइनोनिमा। क्या होता है? एन साइक्लोनिमा एल्गी होती है और नार्डेन स्क्वाइडी। ठीक, इतना होता है। अब बात करते हैं, इतना आपको पता चल गया क्रायोफिटिक एल्गी किसे कहते हैं। ठीक, अब बात करते हैं लिथोफिटिक एल्गी। कौन सी एल्गी? लिथोफिटिक एल्गी। ठीक, लिथोफिटिक एल्गी का मतलब क्या होता है? वह एल्गी, पहले लिखते हैं, ठीक है, लिथोफिटिक एल्गी किसे कहते हैं। ठीक, वह एल्गी जो कहाँ ग्रो करती है? चट्टान पे ग्रो करती है। ठीक, कहाँ ग्रो करती है? चट्टान पे ग्रो करती है और मॉइस्ट प्लेस रहता है। कैसा रहता है? मॉइस्ट प्लेस लिख देते हैं, लिथोफिटिक एल्गी किसे कहते हैं। ठीक, वह एल्गी जो चट्टान के ऊपर ग्रो करती है और चट्टान कैसा रहता है? मॉइस्ट कंडीशन में रहता है, मतलब थोड़ा सा क्या होता है कि नमी रहता है। ठीक है, और वहां पे एल्गी ग्रो करती है और एल्गी का नाम क्या है? रिबुलेरिया। कौन सी? रिबुलेरिया एल्गी हो जाएगा। कौन सी एल्गी ग्रो करती है? रिबुलेरिया या एक एल्गी और ग्लियोकोप्सा, ये आपके सिलेबस में पढ़ना है जी। कौन सी एल्गी? ग्लियोकोप्सा। ठीक है, ग्लियोकैप्सा। ठीक, ये सब एल्गी आपके सिलेबस में है, ये सब पढ़ना पड़ेगा आपको। ठीक है, लिथोफिटिक एल्गी किसे कहते हैं? वह एल्गी जो चट्टान के ऊपर ग्रो करती है, ठीक है, और चट्टान कैसा होता है? मॉइस्ट प्लेस पाए जाते हैं। ठीक है, और उसी को ही क्या बोला जाता है? लिथोफिटिक एल्गी बोलते हैं। एग्जाम्पल क्या होता है? रिबुलेरिया या ग्लियोकैप्सा। सिर्फ एग्जाम्पल ही एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल मस्ट है, आप लोगों को तैयार कर लीजिए। ठीक है, बस आज के वीडियो में अब इतना ही। ठीक है, आप लोगों को थैंक यू।